एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और टाइटल देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या बताने जा रही हूँ। आज मैं सिखाऊंगी पांच ऐसे सिंपल ट्रिक्स जो कि है मेकअप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। आज मैं बिना मेकअप के बैठी हुई, तो चलिए वो चालू करते हैं। अभी फेस वॉशर के आ गई है जो कि मेकअप का फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप, इस कपड़े में एक आइस क्यूब मोड़ के पूरा फेस पे लगाइए, इससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहती है। इसको ठंडी का प्रॉब्लम है तो मैं ये स्टेप स्किप कर दी हूँ। आप लोगों को भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है देन यू ऑल्सो स्किप दिस पार्ट। मेकअप करने से पहले लिप्स पर लिप बम या वेसलिन लगाएं ताकि लिप्स का मॉइस्चर बनी रहे, लिपस्टिक लगाने के बाद ताकि लिप क्रैक ना दिखे। द नेक्स्ट स्टेप इज टोनर। ये प्लम का टोनर यूज़ करती है। आप लोग चाहे तो द बॉडी शॉप का टी ट्री टोनर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टोनर है। ऑलवेज ट्राई टू सिलेक्ट अल्कोहल फ्री टोनर। नेक्स्ट इज मॉइस्चराइजर। स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज यूज़ कर रही हूँ एरोमा मैजिक मॉइस्चराइजर। मेकअप से पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेना है, ज़्यादा नहीं, जैसे विंटर में यूज़ करते हैं। मेकअप के बाद बहुत किसी का स्माइल लाइन क्रैक हो जाते हैं, यानी फट जाते हैं, सो ऑलवेज यूज़ मॉइस्चराइज़र। चाहे तो एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। बेस मेकअप का फर्स्ट स्टेप है प्राइमर। प्राइमर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमर स्किन और फाउंडेशन के बीच एक लेयर क्रिएट करता है, इसीलिए कभी भी इसको स्किप ना करें। मैं आज कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर ना लगाने से फाउंडेशन डायरेक्ट पोर्स के अंदर जाता है, पोर्स बाद में बड़ा दिखना चालू हो जाता है और एक्ने का प्रॉब्लम भी दिखता है। प्राइमर ना लगाने से स्किन का नेचुरल ऑयल और फाउंडेशन में दिया गया केमिकल दोनों मिक्स होकर ऑक्सीडाइज होता है, इससे फेस ज़्यादा डल दिखता है, या बोल सकते हैं कि फाउंडेशन काला पड़ जाता है। प्राइमर लगाने से स्किन स्मूथ होता है। प्राइमर का काम ही है पोर्स को ब्लर करना, यानी कि पोर्स को मिनिमाइज करके रखना। If you have oily or combination skin, then you try to use silicone-based primer, which is mattifying. If you have dry skin, then you have to use gel-based primer or hydrating types primer, जो skin को dry नहीं होने देगा और moisture provide करेगा। इस makeup से पहले हमेशा eye makeup करें। Base के ऊपर हाथ रख के makeup करना मुझे personally पसंद नहीं है, इससे makeup खराब हो सकता है, तो इसलिए मैं एक normal eye makeup कर दी हूँ। फोरहेड से फाउंडेशन लगाना चालू करें और डॉटेड से फाउंडेशन लगाएं। मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। भरतनाट्यम डांस सीखती थी, स्टेज परफॉर्मेंस के समय खुद का मेकअप खुद को ही करना पड़ता था, इसलिए मुझे ये सब पता है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश के मदद से फाउंडेशन को पहले अच्छे तरीके से मिला ले। हेट हो गया कम्प्लीट। जितना फाउंडेशन ज़रूरत है वो हाथ के ऊपर लेके फिर फेस पे अप्लाई करें। डायरेक्ट बॉटल से लेके फेस पे अप्लाई ना करें। होल फेस पर डॉटेड से फाउंडेशन लगा ले। ब्लेंड करने समय हमेशा डैबिंग मोशन में ब्लेंड करें। ब्लेंड के लिए ब्रश या ब्यूटी ब्लेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ब्लेंड करने समय हमेशा लोअर साइड से अपर साइड की तरफ जाएं। सबसे पहले जो लिप बम लगाई थी वो अभी कॉटन के मदद से पोंछ दे रही हूँ। लिपस्टिक का ओरिजिनल कलर पाने के लिए हमेशा लिप्स पर भी फाउंडेशन अप्लाई करें। इसका मतलब ये नहीं है कि फाउंडेशन को अलग से लिप पे अप्लाई करना है। जो ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसी से थोड़ा सा लिप के ऊपर भी अप्लाई कर लीजिए। हमेशा एक चीज़ ध्यान रख के फेस के साथ साथ नेक के ऊपर भी टोनर, मॉइस्चराइजर और फाउंडेशन अप्लाई करना है। आज मैं नेक के ऊपर कुछ भी नहीं यूज़ की हूँ, सिर्फ फेस मेकअप कर रही हूँ। फेस और नेक नहीं तो मिसमैच हो जाएगा। हमेशा अपना स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन सेट परचेस कीजिए। एंड यू ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू परचेस वन टोन लाइटर कंसीलर सेट देन फाउंडेशन टोन। अब है फेस कंट्यूर करने का। कंट्यूर के लिए मेरे पास ये कंट्यूर है, बट मैं ये इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती हूँ। आज जो मैं करूँगी ये पैलेट इस्तेमाल और डार्क ब्राउन सेट से मैं नोज कटिंग या जितना भी सारा कंट्यूर है वो सब करूँगी। फर्स्ट नोज कंट्यूर के लिए डार्क ब्राउन शेड से मैं कटिंग कर रही हूँ। ऐसे में ही देखिए इसका नाक एकदम शार्प है, करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मेकअप को और ज़्यादा अच्छे तरीके से निखारने के लिए मैं ये कर रही हूँ। जैसे नोज कंट्यूरिंग कर रही हूँ ठीक उसी तरीके से आप लोगों को भी कर लेना है। और एक चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, नोज के नीचे बॉटम पार्ट में भी आपको डार्क शेड से कंट्यूर करना है। नेक्स्ट इज चिक कंटूरिंग। चिक कंटूरिंग के लिए ऐसा फिश फेस बना के फिर चिक बोन के जो नीचे वाला पार्ट है उसको कंटूर करना है डार्क कलर से।
अभी सिर्फ कटिंग दे रही हूँ, इसको अभी तक ब्लेंड नहीं की हूँ। नेक्स्ट इज जोलाइन, लेकिन इसका जोलाइन भी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट जिन जिन का जोलाइन प्रॉपर नहीं है पूरा कॉन्ट्योर करे, बिकॉज कॉन्ट्योर करने से फेस का कटिंग ही चेंज हो जाता है। नाउ इज टाइम टू ब्लेंड। फॉर ब्लेंडिंग आई यूज दिस ब्रश। नाक के पास मैं ब्रश से नहीं करूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। नाक के ऊपर तो हाईलाइट करना है, बट उससे पहले नाक के ऊपर वाले बोन पे ऐसा हल्का कलर लेके एकदम एक क्रीस लाइन टानना है। ये लाइन ड्रॉ करने से देखिए नाक का लुक कितना चेंज हो गया है। ब्लश और हाइलाइटर, जिसके लिए मैं स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश एंड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ब्लश के लिए मैं ये ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रश लेने के बाद ब्रश में जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसको डैप डैप करके झाड़ लेना है, उसके बाद अप्लाई करना है। ऐसा स्माइली फेस बना के चिक के ऊपर ब्लश लगाए। पतला सा ब्रश इस्तेमाल करना है हाईलाइट के लिए। फर्स्ट हाईलाइट करेंगे फोरहेड, उसके बाद ऐसा ब्रश की मदद से उसको मिला ले, वैसा अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ हाईलाइट करते हुए जाए। नेक्स्ट इज आईबोन। आईबोन पे हमेशा हाईलाइट कीजिए। आईबोन हाईलाइट हो जाने के बाद आँख के इनर कॉर्नर पे हाईलाइटर इस्तेमाल कीजिए, जिससे आँख बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है और बड़ा बड़ा भी दिखता है। नेक्स्ट इज नोज बोन। नाउ हाईलाइट अप्लाई ऑन चीक्स। द हेल्प ऑफ दिस ब्रश ब्लेंड इट। Now highlight apply on upper lip. Help of this brush highlight on chin. Now I use bullet lipstick, nothing else matter. Shade number 33. जितना सारा मेकअप टिप्स मैं इस वीडियो में बताई हूँ, अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा है देन प्लीज़ लाइक कीजिए, इट्स मीन्स अ लॉट, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।